हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है। आप देख रहे हैं पीएचपी बिल्ट इन फंक्शंस। तो आपने बहुत सारे फंक्शंस देख चुके हैं इस सीरीज में। तो आज हम एक अच्छा फंक्शन लेकर आए हैं, स्ट्रिंग रिप्लेस, जिसमें तीन पैरामीटर पास होंगे। नंबर वन फाइंड, नंबर टू रिप्लेस, नंबर तीन स्ट्रिंग और नंबर चार काउंट। मतलब चार इसमें पास हो रहे हैं, ठीक है। फाइंड मतलब कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं। स्ट्रिंग आप पहले सर्च करेंगे और उसके बाद रिप्लेस, उसको किस स्ट्रिंग से रिप्लेस करना चाहेंगे। और यहाँ स्ट्रिंग, वो कौन सी स्ट्रिंग है जिसके अंदर आप ये काम कर रहे हैं। और काउंट कि कितनी बार ये काम हुआ है। हमने सबसे पहले स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो मैं यहाँ देखो, स्ट्रिंग को मैंने इको करा लिया, जिससे आपको आप देख पाए यहाँ पर ब्राउजर पर। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकाला इस वीडियो के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इको करा लेता हूँ स्ट्रिंग रिप्लेस। सबसे पहले पैरामीटर फाइंड, मतलब कि आपको क्या निकालना है। मैंने लिखा एक छोटी सी स्ट्रिंग, मैं लिख लेता हूँ माय। इसको आप किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, सेकेंडरी रिप्लेस। तो मैं इस माय को रिप्लेस करना चाहता हूँ योर कोमा, कौन सी स्ट्रिंग में, दिस वन जो हमने लिखी है, डॉलर एसटीआर, इस स्ट्रिंग के अंदर। तो इस स्ट्रिंग के अंदर आपको माय ढूंढना है और उसको योर बनाना है, मेन मकसद ये, ठीक है। तो अब ये लास्ट का जो काउंट है, से बाद में हम देखेंगे। तो काउंट क्या कर रहा है ना, जितने भी माय होंगे वो उसको सबको बना देगा। ये देखिए, रिफ्रेश किया मैंने, योर बन गया। तो माय का बन गया, ये रिप्लेस हो गया। ये होता है स्ट्रिंग रिप्लेस करना। तो ऐसे ही अगर बहुत सारे माय होते उसको योर बना देता। और काउंट अगर हम देखते तो वो उसमें नंबर ऑफ जो काउंटर काउंटर थे वो बताता आपको कि चार काउंट रिप्लेस किए गए हैं, पांच या दो। फिर से देख लेते हैं। अब हम ने एक एरे, अब हम इसका रिजल्ट को हम एक वेरिएबल में सेव करा लेते हैं। तो उसको हम इको कराएंगे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये मैंने रिफ्रेश करा के दिखा दिया। हमें यहाँ पर आर करना है, माई की जगह माई ढूंढना है और उसको आर बनाना है। रिफ्रेश किया, आर बन गया। तो ये स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, फाइंड करता है पहले, उसके बाद रिप्लेस क्या करना है उसको देखता है, रिप्लेस कर देता है जो गिवन स्ट्रिंग है। वैसे देखिए, प्रोग्राम जब आप बनाएंगे तो इसमें रिसर्चिंग के लिए बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपके पास एक डेटा आ रहा है स्ट्रिंग में, या आपके पास एक स्ट्रिंग है तो उसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं, रिप्लेस कराना चाहते हैं रिजल्ट में, तो वो रिप्लेस हो सकता है। इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं। एच को, अब तो आप समझ में आ गया होगा कि आप करना क्या चाहते हैं। सबसे पहले जो हम पास करें वो करें फाइंड, फाइंड क्या करना है। सेकंड, उसको किससे रिप्लेस करना है। थर्ड, कौन सी स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं आप जिसमें ये सब काम करना है, वो स्ट्रिंग। और लास्ट काउंट, कि वो कितनी बार चेंज उसमें रिप्लेस हुआ है वो दिखाया हुआ, तो हम बाद में देखेंगे। आप देख सकते हैं सिंपल सा है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं। मान लीजिए मैंने स्मॉल टी ले लेता हूँ और टी को मैं एच से, उसको जेड से रिप्लेस करा देता हूँ। तो ये पहले टी सर्च करेगा और टी सर्च करने के बाद उसको जेड से रिप्लेस करेगा। तो देखते हैं, इसमें टी को जेड से रिप्लेस किया, कैपिटल टी को जेड से करा दिया। ये देख सकते हैं, जो कैपिटल टी था वो उसने जेड से रिप्लेस करा दिया। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। मैं यहाँ पर एक सिंगल कैरेक्टर ले रहा हूँ, मैं यहाँ वर्ड भी ले सकता हूँ, इज माई होम, जैसे भी किया आपने माई का, माई को चेंज किया। अब मैं आई को ऐसे करता हूँ, आई को रिप्लेस कराता हूँ, आई को क्यू से रिप्लेस करा लेता हूँ, कैपिटल क्यू से। तो जहाँ जहाँ आई होगा वहाँ देखेंगे आप क्यू बन जाएगा, और कितने आई रिप्लेस हुए इसमें वो काउंटर में आ जाएगा। तो मैं काउंटर को भी देखिए, एक दो तीन चार, जहाँ जहाँ आई था उसने क्यू बना दिया कैपिटल। और काउंटर अगर मैं देखूँ तो वो काउंट करके बताएगा कितनी बार ये चला है, कितने रिप्लेस हुए हैं आई, उसमें वो काउंट करके बताएगा। तो मैं इसको काउंटर को इको करा लेता हूँ, जो लास्ट में मैंने काउंटर वेरिएबल लिया है, तो इसमें काउंटर भी शो कर देता है। अब जैसे ही मैं इसको इको कराऊंगा,
तो वो दिखाएगा कितनी बार आपने काउंट किया है। दे सकते हैं 4 बार, काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें रो को चेंज करा रहा हूँ, 2 बार हुआ है चेंज। स्मॉलो की जगह मैंने ऐसे लिखा है, 2 बार चेंज हुआ है, रनिंग रिप्लेस हुआ है। आई को मैंने एन से करा रहा हूँ, रिफ्रेश किया ये 4 बार, यानी कि इसमें 4 आई थे जो एन से रिप्लेस हो गए।